अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़रवा रहमान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़रवा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया है एक अदद बैंगन, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा बैंगन लेना है आपने, ताकि हमारी जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बन जाए। बैंगन को आपने इस तरह से लंबाई में काट लेना है। कोशिश कीजिएगा बिके बैंगन ना बहुत ज़्यादा बारीक कटे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो, बिल्कुल दरमियाने हिसाब से आपने इसको काटना है और इसी तरह से काटना है। मैं हमेशा आपके लिए आसान और बेहतरीन रेसिपीज लेकर आती हूँ, ताकि आप उसको झटपट बनाएं और उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बैंगन जो है वो हमारे कट चुके हैं, ये देखिए। अब मैंने एक बोल लिया, बोल में शामिल करूँगी आधा कप बेसन। अब हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। इसके बाद हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। इसी तरह आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर शामिल करना है आपने, और बिल्कुल थोड़ी सी, एक से दो चुटकियां आपने काली मिर्च पाउडर शामिल करना है, ताकि हमारा जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा बन जाए। अब आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो बेसन है वो ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा कि ये बैंगन पर अच्छी तरह से चिपक जाए, ताकि हमारे जो बैंगन है बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बन जाए। बैंगन भी हमारे कट चुके हैं और हमारा जो बेसन है वो भी रेडी है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। कढ़ाई में हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम अपने बैंगन लेंगे जो हमने लिए हैं, और इस पर बेसन लगाकर इसको हल्की आंच पर तब तक के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते और अच्छी तरह से पक नहीं जाते। आपने आंच को बिल्कुल लो रखना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। अगर आप आंच को तेज़ कर देंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे, तो आंच को बिल्कुल लो रखिएगा। मैं हमेशा आपके लिए झटपट और क्विक रेसिपीज लेकर आती हूँ, ताकि आप उसको जल्दी से बनाएं और जल्दी से खाएं और फ़ायदा उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे उम्मीद और हौसला मिलता है मज़ीद बेहतर अंदाज में काम करने का। जब एक साइड पक जाए तो आपकी साइड को चेक केयरफुली चेंज कर दीजिएगा। आप इस रेसिपी को इफ्तार में बना लें, कोई इवेंट हो, फंक्शन हो या कुछ भी हो, आप इसको बनाइए, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा और वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हमारे जो क्रिस्पी बैंगन हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं। बिल्कुल एक बैंगन आपने लिया 5 से 10 रुपए का, आपको बैंगन मिल जाएगा, और ये बिल्कुल लो बजट रेसिपी है और कोई मुश्किल नहीं है बनाने में। तो ये देखिए हमारे जो बेहतरीन और ज़बरदस्त बैंगन है वो रेडी हो चुके हैं और अब आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त बेहतरीन और क्रिस्पी बैंगन जो है वो तैयार हो चुके हैं और अब आपके सामने हैं। ये देखने में जितने अच्छे हैं, ये जायके में उतने ही बेहतरीन हैं। आप लोग घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आप चाहें दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और केचप के साथ भी, ये आपकी मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।